तो हेलो डॉल्फिन, ट्रायल बैलेंस में मैं आप लोगों को आगे आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। ट्रायल बैलेंस में बेसिकली होता है क्या, मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रायल बैलेंस में जब हम बनाते हैं तो उसका ओपनिंग आपका बैलेंस जो है वो मैच करना चाहिए। तो उसमें क्या है, कभी कभी मैच नहीं करता है। अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो उसमें एरर हो सकती है। एरर किस तरीके, प्रिंसिपल एरर हो सकती है। प्रिंसिपल एरर मतलब जैसे सैलरी है, सैलरी हमारा एक्सपेंसिस है और हमने मान लिया ऐसे क्या इनकम, और इनकम मान करके फिर हम लोगों ने इसे क्या इसमें रूल लगा दिया, इनकम का रूल लगा दिया। तो प्रिंसिपल, अब मान लीजिए हमारा जो अगर ये डेबिट हो रहा था तो इन्होंने क्या कर दिया इसे क्रेडिट, तो उससे हमारा बैलेंस तो मैच कर जाएगा लेकिन ट्रायल बैलेंस वो पकड़ नहीं पाएगा। प्रिंसिपल वाली एरर नहीं पकड़ सकता, सिर्फ ट्रायल बैलेंस क्या पकड़ सकता है, क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए से जनरल अकाउंट टू कैश, 5,000 रुपए से आपने एंट्री पास करी, 500 रुपए से एंट्री पास करी थी। अब जब आपने इसके सैलरी वाले लेजर में उठाया और कैश वाले लेजर में बैलेंस लेके गए, तो यहाँ तो सैलरी वाले लेजर में डेबिट साइड पे 500 रुपये लिख दिया आपने, लेकिन कैश में क्रेडिट साइड में 500 लिखने थे ना, आपने 50 लिख दिया। तो एक क्लरिकल मिस्टेक, तो अगर कुछ इस तरीके की क्लरिकल मिस्टेक हो रही है तो वो पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर 500 से डेबिट हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है जब आप ट्रांसफर करोगे ट्रायल बैलेंस से तो मैच नहीं करेगा, वो तो पकड़ में आ जाएगा लेकिन प्रिंसिपल की एरर नहीं समझ में आएगी। प्रिंसिपल की एरर मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, मैंने कर क्या दिया इसकी जगह पे, मैंने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अभी प्रिंसिपल की एरर हो गई, राइट। तो अब अगर मान लीजिए ये एरर कर दिया तो सैलरी में तो 500 रुपये जा रहा है लेकिन क्रेडिट साइड जाएगा और यहाँ पे डेबिट साइड जाएगा, तो बैलेंस जब आगे कैरी फॉरवर्ड होगा तो बैलेंस तो मैच करेगा ना डेबिट सर्टिफिकेट का, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रिंसिपल है। तो अगर एरर प्रिंसिपल की भी हो सकती है, एरर तो ये हो सकती है, लेकिन दो तरीके की एरर होती है, प्रिंसिपल की एरर और एक क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर मतलब ओमिशन, कोई एंट्री डालना ही भूल गए, ओमिशन हो गया ना, पार्शल ओमिशन हो गया, या तो पार्शल ओमिशन मतलब एक साइड की एंट्री डाली, एक साइड का जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि कैश का लेजर में तो डाल दिया वैल्यू लेकिन सैलरी में नहीं डाली, भूल गए। हो सकता है कंप्लीट ओमिशन, पूरी एंट्री डालना भूल गए, दोनों चीजें डालना भूल गए। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन मतलब एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में गलती कर दी हमने, पोस्टिंग में गलती कर दी, कास्टिंग मतलब या तो ज्यादा वैल्यू लिख दिया या कम लिख दिया। कैरी फॉरवर्ड करने में, जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना बैलेंस को, जैसे मैं इससे यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ ट्रायल बैलेंस, या इसका कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो कंपनसेटरी एरर हो सकती है। कंपनसेटरी मतलब एक एरर दूसरे एरर को सुधार रही है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सैलरी को डेबिट करा, ठीक है ना, तो उस एक दूसरी एंट्री मैंने करी जिसने उसे सुधार दिया, तो कंपनसेटरी एरर होती है। तो इस तरीके की एरर इसमें नजर आ सकती है आप। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ इसमें ना, सस्पेंस अकाउंट खुलता है फिर। जैसे ये एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, इसका ट्रायल बैलेंस बनाना स्टार्ट करा। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाते गए और इसका बैलेंस लिखते गए, कैपिटल क्रेडिट साइड आएगा, ड्रॉइंग्स डेबिट साइड, सैलरी सभी क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है क्रेडिट साइड, डेटर्स हमारा क्या होता है एसेट होता है तो उसको डेबिट साइड लिख दिया, बिल्स डेबिट साइड, प्लांट मशीनरी एसेट डेबिट, ओपनिंग स्टॉक एसेट्स डेबिट, कैश एंड एसेट डेबिट, कैश एंड बैंक एसेट डेबिट, सेल्स इनकम क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंसिस डेबिट, सेल्स रिटर्न, सेल्स जब हमारा इनकम है तो इनकम कम हो रही है तो क्या होगा डेबिट, परचेज रिटर्न, परचेज जब एक्सपेंसिस होता है तो जब अपोजिट जाएगा रिटर्न होगी तो डेबिट हो जाएगा, कमीशन पेड 1,000, ट्रेडिंग एक्सपेंसिस 25,000 रुपये डेबिट साइड, दोनों एक्सपेंसिस है क्योंकि डिस्काउंट हमें मिला तो इनकम है 5,000 रुपये, रेंट तो हमारा क्रेडिट हो गया, रेंट हमारा क्या है एक्सपेंसिस है, परचेज एक्सपेंसिस है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है और यहाँ पर आ गया। फिर जब इनका टोटल किया तो ये 46,000 का डिफरेंस आ गया, ये 46,000 का क्या आ रहा है डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस जब आ रहा है तो ये तो समझ में नहीं आ रहा तो हमें क्यों आ रहा है, और जब ये डिफरेंस आ जाता है तो हम एक उसको टेम्परेरी एक अकाउंट में डाल के चले जाते हैं सस्पेंस, क्योंकि हमारे लिए सस्पेंस है ना। मान लीजिए मैं ऑफिस में से आज जा रहा हूँ और मेरे को ट्रायल बैलेंस बना के जाना है, अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो मैं उसको क्या करूंगा, मेरे लिए तो वो सस्पेंस ही बन गया ना, तो जिस जगह पे भी वो बैलेंस आ रहा है उस बैलेंस को मैं सस्पेंस अकाउंट में डाल के चले जाऊँ, राइट। तो आपको ये ट्रायल बैलेंस लेकिन मैच करा के जाना है, फिर सस्पेंस को बाद में खोलेंगे लेकिन उससे कैसे करेंगे ठीक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।